तो फोकस शिफ्ट होगा, वो नतीजों पर शिफ्ट हो जाएगा टीसीएस के नतीजों के साथ ही। शुक्रवार को टीसीएस के नतीजे आएंगे, नतीजों में क्या फोकस में रहेगा, आंकड़े किस तरह से निकल के आएंगे, ये बताने के लिए पूजा के पास ही चलते हैं। पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा बताइए, टीसीएस क्या उम्मीदें हैं, क्या अनुमान है? जी, टीसीएस के नतीजे अच्छे रह सकते हैं, स्पेशली ऑर्डर के फ्रंट पर। ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। एक एक करके आपके सामने अगर अनुमान रखें तो डॉलर टर्म्स में जो आय है उसमें 1.3% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रुपी टर्म्स में 1.7% की ग्रोथ देखने का अनुमान है। एबिट मार्जिन में हल्की बढ़त देखने का अनुमान है, 25% के आसपास ही आंकड़े रहेंगे। मुनाफा 2% बढ़ सकता है। क्रॉस करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1.2% के पास रह सकती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2.5% भी ये आंकड़ा जा सकता है। तो इस फ्रंट पर भी हम देखेंगे कि नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब नतीजों पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार देखना, पहले तो इस तिमाही छुट्टियां कम थी और BSNL की भी एक बड़ी डील लगी कंपनी के हाथ, जिसके चलते माना जा रहा है कि इनके आय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। BFSI सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने की उम्मीद है, वहाँ कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वहाँ से भी अच्छे ग्रोथ देखने का अनुमान है, और जो न्यू डील्स हैं, नई डील हैं, उसका आंकड़ा भी इस बार मजबूत रह सकता है। तो ऑर्डर पाइपलाइन हम देखेंगे कि काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। ये तो बात हुई चौथी तिमाही की, लेकिन इस तिमाही में आउटलुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि FY25 के लिए, अब अगले साल के लिए कंपनी किस तरह की ऑर्डर पाइपलाइन देख रही है। AI के फ्रंट पर क्या कुछ कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, हायरिंग और एट्रिशन के फ्रंट पर नंबर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, इन सब आंकड़ों पर नज़र रहेगी। ओवरऑल अगर अभी के लिए बात करें तो TCS से अच्छे नंबर्स की उम्मीद कर रहे हैं। स्टेबल क्वार्टर रह सकता है ये TCS के लिए। ठीक है, TCS के लिए स्टेबल एक स्थिर तिमाही साबित हो सकती है Q4। हालांकि हम देख रहे हैं कि TCS के शेयर में फिलहाल 1% की तेज़ी है, और ये 1% तेज़ी आप इसको ऐसे मत देखिए क्योंकि आधा हिस्सा दिन का TCS ने लाल निशान में गुजारा है और वहां से फिर रिकवरी आई है, और अब ये 3,984 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का जो लो है 3,918 रुपये का है, यानी कि करीब करीब 60-65 रुपये के आसपास की तेज़ी TCS के शेयर में निचले स्तरों से आ गई है। TCS सुदीप जी, आप बताइए नतीजों से पहले कैसा इसको ट्रेड करना है? हालांकि शुक्रवार को भी दिन का सत्र बाकी रहेगा क्योंकि नतीजे तो बाजार बंद होने के बाद आएंगे, किस तरह से ट्रेड करना है इसको? अभिषेक जी, TCS का यदि हम चार्ट देखें तो ओवरऑल पहले तो हम निफ्टी आईटी की बात कर लेते हैं कि इंडेक्स क्या कर रहा है। अगर हम निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स पिछले 1.5-2 महीने से एक डाउन ट्रेंड में है। जो इंडेक्स का एक सपोर्ट जोन था 36,200 का, अब इंडेक्स उसके नीचे पिछले 10-12 दिन से सस्टेन भी कर रहा है। जो 10 और 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी है, ये उसी के नीचे पिछले 10-11 दिन से सस्टेन कर रहा है, और वहीं पे एक गैप एरिया भी है जो 35,400 के करीब है, 500 के करीब है। तो मुझे लग रहा है जब तक ये 35,600 का जो लेवल है निफ्टी आईटी पे वो क्रॉस नहीं होता है, 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी वहीं पे वो क्रॉस नहीं होता है, तब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेट और कर सकता है। और TCS की भी यदि बात करें तो TCS जो स्ट्रक्चर है वो निफ्टी आईटी से बहुत ही मेल खाता है, बहुत ही सिमिलर स्ट्रक्चर है। और TCS की यदि बात करें तो ओवरऑल TCS के लिए एक ट्रिगर पॉइंट होगा 4020-4025 का। पिछले 3-4 दिन से स्टॉक में वहीं पे एक रेजिस्टेंस लेके हाई वेव कैंडल्स बनाई है और स्टॉक फिर से 3900 के करीब फिसल जाता है और वहीं से सपोर्ट लेता है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल एक सपोर्ट तो बना रहा था 3900 के आसपास, 3920 के आसपास, बट 4020 के ऊपर जाने पर ही 4150-4200 के लेवल्स हम यहाँ पे देख पाएंगे।